वहीं मणिपुर के कपड़ा वाणिज्य उद्योग और बिजली मंत्री विश्वजीत सिंह कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। मंत्री थोंगम विश्वजीत का स्वैब टेस्ट 9 सितंबर को किया गया था और कुछ देर पहले उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। इम्फाल के JNIMS VRDL केंद्र में स्वैब की जांच की गई थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट के सामने आने से पहले मंत्री विश्वजीत मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के साथ आज आयोजित हुई स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मौजूद थे। मंत्री विश्वजीत सीएम के बगल में बैठे देखे गए थे और इस समारोह में भाग लेने वाले अन्य मंत्री करम श्याम, जल संसाधन मंत्री लेटपाओ हाउकी, पीएचई मंत्री लोश तिखो, कृषि मंत्री वी हैंग खान लियान, वन और पर्यावरण मंत्री अवांग बाओ नेउमाई और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष एस राजेन भी मंच पर उपस्थित थे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे मणिपुर के ब्यूरो चीफ शरद चंद्र के साथ। शरद, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कोविड टेस्ट के बाद रिपोर्ट आने से पहले मंत्री किसी भी समारोह में शरीक कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, ये भी एक सवाल है। हालांकि विश्वजीत जो है पहले भी कई बार उनके सैंपल टेस्ट किए गए हैं और दिल्ली आना जाना, इम्फाल से दिल्ली से फिर इम्फाल का आना जाना कई बार होता रहा है। उस कारण उनके सैंपल पहले भी कई बार ले लिए गए थे, हालांकि उसमें नेगेटिव आया था। और ये जो भी फंक्शन में आजकल जो अनलॉक होने के कारण जो भी फंक्शन है उसमें अटेंड करते हैं, तो कुछ फंक्शन में, पब्लिक फंक्शन में दो चार दिन पहले भी उन्होंने फंक्शन अटेंड किया था। उस कारण उनकी रेगुलर जो उनकी स्वाब सैंपल जो है वो 9 तारीख को ले लिया गया था। हालांकि 10 तारीख को वो VRDL जेनिम से पहुंचे थे और आज दोपहर को करीब करीब 2 बजे उनके रिजल्ट निकले थे, उसमें उनकी स्वाब सैंपल टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाया गया था। हाँ, आज 10:30 बजे ये सिटी कन्वेंशन इम्फाल ईस्ट की अंदर में जो पैलेस कंपाउंड के अंदर जो रहता है वहां पर मैं ये स्टार्टअप कंक्लेव 2020 उसकी फंक्शन हुआ था, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर करीब करीब 8 कैबिनेट मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर की साथ ये 8 कैबिनेट मिनिस्टर थे। उसमें भी जो विश्वजीत टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है और साथ साथ में पावर और ये वर्क्स मिनिस्टर भी है, वो भी शामिल थे। चीफ मिनिस्टर का बिल्कुल बगल में बैठे हुए जी जी बिल्कुल शरद, जैसा कि आपने बताया बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे सीएम विश्वजीत सिंह के। चूंकि समारोह में सीएम समेत कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे, तो अब आगे क्या होगा? क्या कुछ दिनों के लिए आइसोलेशन में रखे जाएंगे मुख्यमंत्री? अगर हाँ बिल्कुल, जो गाइडलाइन की मुताबिक जो विश्वजीत को अगर पॉजिटिव पाया गया, उनके रिजल्ट दोपहर को 2 बजे आया, तो जो भी फंक्शन में उनके साथ थे अगल बगल में चीफ मिनिस्टर से लेकर के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो भी कुछ दिन के लिए आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। फिर उनकी सैंपल भी बकायदा जांच किया जाएगा, तब तक उनकी सैंपल टेस्ट नहीं होते, बकायदा उनको शायद क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। शरद, मंत्री विश्वजीत सिंह सिम्टोमैटिक है या फिर एसिम्टोमैटिक, किसी तरह की कोई जानकारी? शरद, कहां ले जाया गया है उन्हें? हमने उससे संपर्क करने की कोशिश की, उनकी नजदीक वाले से हमें पता चला कि वो बकायदा उनकी घर में भी और सेक्रेटरियट ऑफिस में भी वो बकायदा उनकी रोजाना उनके ऑफिस के काम का जो है बहुत दिनों से चलता आ रहा है और आज भी कल भी वो चल रहा था। उसके मतलब है कि वो एसिम्टोमैटिक है बिल्कुल, वो अपने जो जो ऑफिस की जो भी काम है, वो दफ्तर की काम है, वो रोज के हिसाब से वो निपटाता है। और अभी हम थोड़ी देर पहले उनके नजदीक वाले से बात की तो पता चला बिल्कुल उसको कुछ भी कोई सर्दी या जुकाम या थकान ऐसा कुछ भी महसूस नहीं है। उसका मतलब यह कि विश्वजीत जो है उनकी सैंपल जो टेस्ट पॉजिटिव पाया गया आज दोपहर को वो एसिम्प्टोमेटिक है। शरद, आखिरी सवाल आपसे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था कब से शुरू होगी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सिलसिले में? अभी तो मणिपुर जो हेल्थ सर्विसेज की जो डिपार्टमेंट है उनको भी पता चल गया होगा, तो जाहिर सी बात है कि विश्वजीत को उनकी सैंपल पॉजिटिव पाया जाता है तो आज की फंक्शन में जो भी उनकी अगल बगल में जो भी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से लेकर के जो भी बैठे थे और साथ साथ जो विश्वजीत के जरिए जो कंक्लेव जो स्टार्टअप कंक्लेव 2020 की जो भी उनकी तरफ से जो चेक पता गया था एंटरप्रेनरशिप को, उसको भी शायद सैंपल टेस्ट के लिए हेल्थ सर्विस की तरफ से उसकी पहल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद, इस तमाम जानकारी के लिए।